इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने कोई समझ लें कोई रो है या कोई बॉर्डर है उसको डिलीट कैसे करते हैं, कॉलम है या रो है। मसलन ये देखें, ये हमने एक शीट बनाई थी। अब मुझे बाद में याद आता है कि जो यहाँ पर है ना, यहाँ मुझे कुछ समझ लें डेट ऑफ एडमिशन का कॉलम ऐड करना था, तो मैं यहाँ आके क्या करूँगा, राइट क्लिक और इंसर्ट में जाऊँगा। ये देखें यहाँ पर एक नई रो आ गई है, ठीक है। यहाँ आके करते हैं तो इंसर्ट, ये देखें ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर कॉलम क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। ऐसे ही इस तरह इधर आके अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर वो कर देगा, ठीक है, इंसर्ट। आगे समझ, अगर हमने कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ से करेंगे, रो इंसर्ट करना है तो हम, ये मेरी समझ लें गलत आ गई रो और मुझे इसको डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और डिलीट कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए, ठीक है। यहाँ पर मैं डेट लिख दूँगा तो यहाँ पर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आपने क्या सीखा कि हम अगर एक नई रो या नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, पहले हमने कुछ बनाया हम भूल गए, तो फिर यहाँ पर आके राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन में जाके इसको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये था जी आज का, जिसमें हमने रो और कॉलम को ऐड करना सीखा, ठीक है।